हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन को स्ट्रक्चर वेरिएबल हम कैसे पास करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया और कि कैसे हम एरे पास करते हैं या अदर ऑर्डिनरी वेरिएबल जैसे कि फ्लोट नंबर या इंटीजर कैरेक्टर कैसे पास करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे पास करते हैं किसी फंक्शन को। तो स्ट्रक्चर बेसिकली हम देखेंगे कि दो तरीके से पास करते हैं, बाय वैल्यू और बाय रिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि बाय वैल्यू हम कैसे स्ट्रक्चर को पास करते हैं किसी फंक्शन को। ठीक है, तो जब बाय वैल्यू आप पास करते हैं तो बेसिकली जैसे अदर वेरिएबल को आप पास करते हैं जैसे इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल, उसी तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बाय वैल्यू पास होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर में हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और उस स्ट्रक्चर का वैल्यू हम एज एक्चुअल आर्गूमेंट हम पास करेंगे। ठीक है, सो व्हेन पास्ड बाय वैल्यू स्ट्रक्चर वेरिएबल आर पास्ड एज पैरामीटर लाइक अदर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि जब पास बाय वैल्यू करते हैं तो ओनली क्या होता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, कॉपीड होता है फॉर्मल आर्गुमेंट पैरामीटर्स में जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। ये जैसा कि इंटीजर या अदर फ्लोटिंग पॉइंट या नंबर को हम बाय वैल्यू पास करते हैं, उसी तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल भी पास होता है। मतलब क्या होगा कि वैल्यू पास होगा, ना कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे लिया है स्वैप करने के लिए। ठीक है, तो स्वैप में हम लोगों ने क्या किया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये कॉम्प्लेक्स टाइप डेफ से डिफाइन किया है, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर C1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C2 है। ठीक है, तो कैसे हम दोनों को स्वैप करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दो पैरामीटर C1 और C2 हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। अब यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल है, पहला वेरिएबल C1 है, दूसरा वेरिएबल C2 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये दो वेरिएबल, जैसे पहला C1 है मान लीजिए कि, और C1 का रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट मान लीजिए 5 है। दूसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल लोकल वेरिएबल होंगे इस फंक्शन के स्वैप के। ये क्या कर रहा है, वॉइड है रिटर्न टाइम, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। स्वैप करने का मतलब कि ये C1 को C2 से एक्सचेंज कर लेगा, C2 को C1 से एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, मतलब कि इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये अब C2 का रियल पार्ट ये 6 हो जाएगा और C1 का इमेजिनरी पार्ट 5 है, ये क्या हो जाएगा, C2 का इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा। उस तरह से C2 का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, C1 के रियल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्वैप किया है, तो एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है TMP। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, ये पैरामीटर में है, ये फॉर्मल पैरामीटर में C1 और C2, जिनका रियल पार्ट क्या है, 4, 5 और 4 है। पहले C1 का रियल पार्ट 4 है, इमेजनरी पार्ट 5 है, उस तरह से C2 का रियल पार्ट 6 है और इमेजनरी पार्ट 8 है। तो एक टेम वेरिएबल का यूज करके हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कैसे इसको स्वैप किया है। ठीक है, तो टेम्प इजिकल टू C1 करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रक्चर को जब दूसरे स्ट्रक्चर से असाइन करते हैं तो क्या होता है कि टेम्प की मेंबर वाइज मेंबर बेसिकली क्या होता है, ये असाइनमेंट होता है। ठीक है, तो टेम्प इजिकल टू, क्योंकि जैसे हम टेम्प इजिकल टू यहाँ पे C1 करेंगे और C1 इजिकल टू C2 कर देंगे तो C1 क्या हो जाएगा, C1 अब एक्सचेंज हो जाएगा C2 से, और C2 इजिकल टू टेम्प करेंगे तो C2 क्या हो जाएगा, C1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे दो इंटीजर वेरिएबल को स्वैप करते हैं उसी तरह से यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स को भी स्वैप किया है। तो टेम्प इजिकल टू C1 करेंगे तो क्या होगा, टेम्प इजिकल टू C1 करेंगे तो टेम्प का जो रियल और इमेजनरी पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, C1 के रियल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये 4 हो जाएगा रियल पार्ट, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, टेम्प का 5 हो जाएगा। तो ये C1 के रियल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा ये टेम्प। तो यहाँ पे टेम्प इजिकल टू C1 करेंगे तो ये मेंबर वाइज मेंबर ये टेम्प का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, C1 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, C1 इज इक्वल टू C2 करेंगे, तो C1 इज इक्वल टू C2 करेंगे तो क्या होगा, C1 का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, C2 के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा, और C1 का इमेजनरी पार्ट क्या होगा, C2 के इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, 4 से कितना हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा 6, और ये इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, 5 से, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखिए कि अब ये C1 क्या हो गया, ये C2 के इक्वल हो गया, मतलब C1 का कंटेंट अब C2 से एक्सचेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब C2 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, टेम्प, तो C2 इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो रियल पार्ट 6 से कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया,
और इमेजनरी पार्ट 8 से कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ये देखिए 5 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि C1 और C2 क्या हो गया, ये इस तरह से ये स्वैप हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो स्वैपिंग हुआ है इनके लोकल वेरिएबल पे हुआ है, ठीक है। अभी जैसे ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये लोकल वेरिएबल क्या होंगे, ये C1 C2 और ये टेम्प, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल पैरामीटर हैं, जो आर्गुमेंट जिसको जब फंक्शन कॉल करते समय दिया गया है, उसको बेसिकली क्या होगा, ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये बेसिकली जो स्वैप हुआ है इनके लोकल वेरिएबल और पैरामीटर में हुआ है, ठीक है, न कि जिस फंक्शन ने कॉल किया है इनको उनमें हुआ है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रक्चर टाइप डेफ का यूज करके, ये डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स, और ये स्वैप फंक्शन, अभी हम लोगों ने देखा कैसे स्वैप फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, और एक प्रिंट कॉम्प्लेक्स, एक प्रिंट फंक्शन है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको अगर आप एज ए पैरामीटर देंगे तो क्या करेगा, ये उसको प्रिंट करेगा। तो जैसे सी अगर दिया है पैरामीटर में, तो किसने क्या किया है, सी का रियल पार्ट और सी का इमेजनरी पार्ट प्रिंट किया है, और बीच में इसने क्या कर दिया है, प्लस आई, मतलब ये रियल पार्ट प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके बाद ये प्लस आई प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये इमेजनरी पार्ट प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम पैरामीटर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप वायर्ड है, अब पैरामीटर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप फॉलोड बाय स्ट्रक्चर वेरिएबल। उसी तरह से दूसरा पैरामीटर स्ट्रक्चर डेटा टाइप स्ट्रक्चर वेरिएबल, जैसे इन अदर डेटा टाइप को हम यहाँ पे पैरामीटर में देते हैं, उस तरह से क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा टाइप भी दिया है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप उसका वेरिएबल, जैसे इंटीजर डेटा टाइप और इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग डेटा टाइप फ्लोटिंग वेरिएबल, इस तरह से स्ट्रक्चर डेटा टाइप और स्ट्रक्चर वेरिएबल। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोकल वेरिएबल में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो कि टेम्प वेरिएबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई ये क्रिएट किया है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, 5, मतलब इसका रियल पार्ट 4 है, इमेजनरी पार्ट 5 है, और वाई में रियल पार्ट कितना है, 10 है, इमेजनरी पार्ट 15 है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्वैप करने के पहले क्या किया है, एक्स और वाई को प्रिंट कर दिया है, तो स्वैप करने के पहले एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 5y, और ये कितना हो जाएगा, 10 + i5, मतलब रियल पार्ट 10 और इमेजनरी पार्ट 15। उसके बाद देखिए स्वैप फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। अब स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो ये इसको करना बेसिकली क्या है, एक्स और वाई को स्वैप करना है। तो ये एक्स और वाई को हमने एज ए पैरामीटर में पास किया है, तो बेसिकली क्या होगा, ये एक्स का और वाई का जो मेंबर का जो वैल्यू है वो बेसिकली फंक्शन को पास होगा, ना कि एक्स और वाई वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये पास बाय वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बेसिकली ये प्रोग्राम रन करता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप डिफाइन किया है टाइप डेफ से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और ये देखिए स्वैप फंक्शन है, ठीक है, वाइड स्वैप कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स C2, ठीक है, ठीक है। और फिर देखिए ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको C1 और C2 को स्वैप किया है, कैसे स्वैप किया है हम लोगों ने डिस्कस किया है। और यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पास करेंगे इस फंक्शन को, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करेगा। अब मेन में देखिए हम लोगों ने क्या किया, दो वेरिएबल एक्स और वाई डिक्लेयर किया है, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल हैं। एक्स का रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है, वाई का कितना है, 10 और 15 है। तो बिफोर स्वैप ये वैल्यू प्रिंट किया है, फिर फंक्शन को कॉल किया है, और कॉल करने के बाद क्या किया है, फिर ये वैल्यू प्रिंट किया है। तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले मेन में क्या होगा कि ये एक्स और वाई दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्रिएट होंगे। एक्स का रियल पार्ट कितना है, 4, वाई का और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 5, वाई का रियल पार्ट कितना है, 10, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 15, ठीक है। अब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये जैसे फंक्शन कॉल किया स्वैप, तो ये कमांड कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन स्वैप पे। तो इस फंक्शन स्वैप में जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पैरामीटर है, तो ये बेसिकली क्या है, इसका लोकल वेरिएबल है फंक्शन का। तो ये लोकल वेरिएबल ये पैरामीटर C1 C2 और एक जो लोकल जो वेरिएबल है टेम्प, ये क्रिएट होगा। अब बेसिकली वेरिएबल क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो ये तीन वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है। ये C1 क्रिएट हुआ जो कि इसका लोकल इसका पैरामीटर है, C2 क्रिएट हुआ जो कि अगेन पैरामीटर है, और एक टेम वेरिएबल है जो कि लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब जब फंक्शन कॉल किया तो बेसिकली क्या होगा, ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, कॉपी होगा। तो कॉपी होने का मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू कॉपी होने का मतलब क्या, इसका रियल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, C1 के रियल पार्ट में कॉपी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, C1 का रियल पार्ट 4 हो जाएगा। उसी तरह से
एक्स का जो इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, सी वन के इमेजिनरी पार्ट में कॉपी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स किसको पास हुआ है, सी वन को, और वाई किसको पास हुआ है, सी टू को। आप एक तरह समझ सकते हैं दिस इज लाइक एक्स इज इक्वल टू सी वन, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू सी टू, इस तरीके का बेसिकली एक तरह से असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो x पास किया c1 को, तो c1 का क्या होगा, ये मेंबर वाइज मेंबर, ये रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। उसी तरह से y पास करेंगे c2 को, तो क्या होगा, c2 का जो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये x y के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह से c2 का जो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये y के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, अब ये देखिए कि अब ये यहाँ पे स्वैपिंग कैसे हो रहा है, तो टेम्प इज इक्वल टू सी वन कर दिया, तो टेम्प की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी वन के, तो टेम्प को सी वन असाइन किया, तो क्या हो जाएगा, टेम्प का रियल पार्ट कितना हो जाएगा, सी वन के रियल पार्ट के इक्वल, मतलब 4, और टेम्प का इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, सी वन के इमेजनरी पार्ट के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो टेम्प अब कितना हो गया, 4, 5। अब क्या किया है, सी वन इज इक्वल टू सी टू किया है, तो सी वन इज इक्वल टू सी टू असाइन करेंगे, तो मेंबर वाइज मेंबर क्या होगा, सी वन का रियल और इमेजनरी पार्ट C2 के रियल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो ये 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो देखिए ये 10 हो गया, और ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब C2 इज इक्वल टू टेम करेंगे, तो क्या होगा, C2 का रियल और इमेजनरी पार्ट टेम के रियल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, C2 का रियल पार्ट ये हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया, और C2 का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, ये 5, तो ये 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे C1 C2 में तो एक्सचेंज हो गया, अब उसके बाद क्या, देखिए ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो बेसिकली क्या है कि ये सारे वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ बेसिकली क्या हुआ, ये जो पैरामीटर का जो कॉपी है उसमें ये एक्सचेंज हुआ है, ये ओरिजिनल जो पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई, जो एक्चुअल पैरामीटर है उसमें बेसिकली चेंज नहीं हुआ है। तो जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये जो चेंजेज हुए हैं बेसिकली क्या हुए हैं, इनके पैरामीटर्स में हुए हैं। ठीक है, इनके लोकल वेरिएबल में हुए हैं, तो ये चेंजेज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बाई वैल्यू यहाँ पे अगर आप फिर प्रिंट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही वह रहेगी 4, 5 और 10, 15। तो बाई वैल्यू क्या होता है, स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल को भी अगर आप स्वैप करते हैं बाई वैल्यू, तो स्वैप नहीं होता है मेन में, या जिस फंक्शन ने कॉल किया स्वैप फंक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो यहाँ पे देखिए कि रन कराया प्रोग्राम को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिफोर स्वैप कितना है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 4+i5 है, दूसरा कितना है 10+i15 है, और आफ्टर स्वैप भी देखिए वही वैल्यू है 4+i5 और 10+i15, तो ये स्वैप नहीं हो रहा है। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे बाई वैल्यू पास हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ओरिजिनल जो आर्गूमेंट हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर हैं एक्स और वाई, उनका बेसिकली क्या हो रहा है, कॉपी पास हो रहा है, और जो भी स्वैपिंग हो रहा है उनके कॉपी पे हो रहा है, तो कॉपी पे जो चेंजेज होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए स्वैपिंग के बाद भी वही वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी फंक्शन से स्ट्रक्चर कैसे हम रिटर्न कराते हैं। अभी तो जैसे देखा कि कैसे हम फंक्शन को स्ट्रक्चर पास करते हैं, पास करने का तरीका क्या है, कि जैसे अदर वेरिएबल आप एज ए पैरामीटर पास करते हैं, उसी तरह से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल भी पास करेंगे। ठीक है, और बाई वैल्यू हम लोगों ने पास किया था, तो अब हम देखते हैं कि कोई फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम किसी फंक्शन से स्ट्रक्चर रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, उसके जो मेम्बर्स हैं, जितने भी मेम्बर हैं, सबकी वैल्यू रिटर्न करना। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है जनरली। ठीक है, तो कैसे ऐसे होगा, तो देखिए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर रिटर्न कराना, तो रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, वो भी स्ट्रक्चर टाइप का होगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो स्ट्रक्चर डेटा टाइप होगा। ठीक है, स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू, मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रक्चर वेरिएबल रिटर्न अगर कर रहा है, ठीक है, तो जो रिटर्न वैल्यू को कहाँ हम स्टोर करेंगे, कहाँ रिसीव करेंगे, उसी टाइप के वेरिएबल में, उसी टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल में। जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप रिटर्न कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप रिटर्न कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये जैसे पहले का रूल था कि इंटीजर वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फ्लोट वैल्यू अगर कर रहा है तो फ्लोट में। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल भी अगर रिटर्न कर रहा है,
या स्ट्रक्चर अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको भी इसके लिए हम कहाँ स्टोर करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज करेंगे कि ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पैरामीटर ये रिसीव कर रहा है और ये दोनों को ऐड करके इनका जो सम है उसको ये रिटर्न कर रहा है। तो देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करेगा और इसका पैरामीटर क्या है, ये स्ट्रक्चर पैरामीटर है। तो दो स्ट्रक्चर पैरामीटर ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये रिसीव करेगा और इनका सम क्या है, ये रिटर्न करेगा। तो ये कैसे सम कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इसने ले लिया C3, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ले लिया इसने C3। C3 में क्या करेगा, ये C1 और C2 का जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दोनों को ऐड करके ये स्टोर करेगा। तो कॉम्प्लेक्स C3 ले लिया तो C3 का रियल पार्ट कितना हो जाएगा, C3 बेसिकली क्या है, C1 और C2 का सम है, तो C3 का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, C1 का रियल पार्ट प्लस C2 का रियल पार्ट। उसी तरह से C3 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, C1 का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सॉरी प्लस C2 का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो C1 C2 को ऐड कर दिया तो ये देखिए एडिशन कहाँ हुआ, C3 में, ठीक है। तो ऐड करने का मतलब C1 और C2 का रियल पार्ट ऐड करके C3 के रियल पार्ट में ऐड कर दिया, स्टोर कर दिया। यहाँ पे देखिए ये रियल क्या होगा, रियल नहीं RE केवल होगा, और C1 और C2 का इमेजिनरी पार्ट ऐड करके C3 का इमेजिनरी पार्ट में कर दिया। और देखिए ये स्ट्रक्चर वेरिएबल ये C3 को रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो रिटर्न कराने का मतलब क्या हुआ कि अब ये C3 रिटर्न करा रहा है, मतलब कि C3 का जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दें तो इस तरह से एडिशन नहीं होता स्ट्रक्चर वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर वाइज मेंबर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या किया है कि रियल पार्ट को एक साथ ऐड किया और C3 के रियल पार्ट में स्टोर किया, इमेजनरी पार्ट को एक साथ ऐड किया और C3 के इमेजनरी पार्ट में स्टोर किया। तो यहाँ पे इसी प्रोग्राम को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। ऐड कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ये फॉर्मल पैरामीटर C1 C2 में, और एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर C3 ले रहा है जिसमें क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करके इसका जो रिजल्ट होगा स्टोर करेगा। तो C3 का रियल पार्ट कितना हो गया, C1 के रियल पार्ट और C2 के रियल पार्ट के इक्वल, और C3 का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, C1 और C2 के इमेजनरी पार्ट के सम के इक्वल, और C3 को रिटर्न करा दिया है। और ये प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रिंट फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कराएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मेन में देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर X और Y लिया है, ठीक है, X और Y लिया है। X की वैल्यू कितनी है, 4 है, Y की वैल्यू कितनी है, 5 है। उसी तरह से Y की वैल्यू कितनी, सॉरी X की वैल्यू, X का जो रियल पार्ट उसकी वैल्यू 4 है, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 5 है, Y के रियल पार्ट की वैल्यू 10 है, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 15 है, ठीक है। और एक Z लिया कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों का सम स्टोर किया है। तो सम कैसे मिल रहा है, तो हमने फंक्शन कॉल किया है ऐड कॉम्प्लेक्स XY, तो XY को कैसे पास करेंगे, वाई वैल्यू, मतलब X का जो रियल इमेजनरी पार्ट का वैल्यू है 4, 5 वो पास होगा, और Y का जो रियल और इमेजनरी पार्ट का वैल्यू है 10, 15 वो पास होगा। तो हमने फंक्शन कॉल किया है सम कॉम्प्लेक्स, तो ये जब स्ट्रक्चर रिटर्न कराएगा बेसिकली क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का ये वेरिएबल रिटर्न कराएगा जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को उस तरह के स्ट्रक्चर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उस जेड को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मेन में क्या होगा कि ये दो वेरिएबल और एक ये जो जेड वेरिएबल है क्रिएट होगा। तो एक्स वेरिएबल देखिए क्रिएट हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, 5, रियल पार्ट 4 है, इमेजनरी पार्ट 5 है, और वाई का देखिए रियल पार्ट कितना है, 10 और 15, और ये जेड है जो कि रिजल्ट को होल्ड करेगा जब फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो देखिए ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ये ऐड कॉम्प्लेक्स कॉल किया तो इस कॉम्प्लेक्स ऐड कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा। तो इसके जो ये जो पैरामीटर हैं C1 C2 ये क्रिएट होंगे, और ये जो लोकल वेरिएबल है C3, तीनों क्या हैं बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल हैं, तीनों क्रिएट होंगे। तो ये देखिए C1 C2 और C3 क्रिएट हो गया। अब जैसे फंक्शन कॉल किया तो देखिए ये पैरामीटर क्या पास किया है, एक्स पास किया और वाई पास किया है। तो एक्स पास करने का मतलब क्या हुआ कि C1 को क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो C1 को एक्स असाइन होगा तो क्या होगा, C1 का रियल और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, एक्स के रियल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो C1 का रियल पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स के रियल पार्ट के इक्वल, मतलब 4, और C1 का इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, वो एक्स के इमेजनरी पार्ट के इक्वल, तो ये हो जाएगा वाई। उसी तरह से C2 को क्या पास किया है, वाई पास किया है दूसरा पैरामीटर, तो
सी टू का रियल पार्ट कितना हो जाएगा, वाई एक वाई के रियल पार्ट के इक्वल टू 10, और सी टू का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा वाई के इमेजनरी पार्ट के इक्वल, तो ये हो जाएगा 15। अब हमने क्या किया, देखिए सी यहाँ पे ऐड कॉम्प्लेक्स में सी वन सी टू को ऐड करके सी थ्री में स्टोर किया है, तो सी वन और सी टू का एडिशन सी थ्री में स्टोर हो, तो पहले क्या करेंगे इनका रियल पार्ट, तो सी वन का रियल पार्ट 4 है और सी टू का रियल पार्ट ये कितना है 10 है, तो ये दोनों को ऐड करके क्या करेंगे सी थ्री के रियल पार्ट में हम स्टोर करेंगे, तो सी थ्री का रियल पार्ट कितना हो जाएगा 4 + 10 = 14, ये 14 हो गया। उसी तरह सी थ्री का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, सी वन का इमेजनरी पार्ट प्लस सी टू का इमेजनरी पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 15, ये हो जाएगा 20। अब ये क्या करेगा, ये सी थ्री रिटर्न करेगा, तो देखिए इसने रिटर्न किया, तो रिटर्न करेगा तो क्या होगा जेड में क्या कॉपी हो जाएगा, जेड में इसका रियल और इमेजनरी पार्ट, ये जो सी थ्री जो रिटर्न कर रहा है इसका रियल और इमेजनरी पार्ट कहाँ हो जाएगा, जेड में कॉपी हो जाएगा, क्योंकि जेड में ही रिसीव किया, जेड इज इक्वल टू ऐड कॉम्प्लेक्स कॉल किया है, तो ये ऐड कॉम्प्लेक्स क्या है हो जाएगा, बेसिकली एक तरह से ऐड कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज ये सी थ्री से रिप्लेस हो जाएगा, और सी थ्री का मतलब क्या हुआ रियल पार्ट 4 = 14 और इमेजनरी पार्ट 20, तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा जेड का ये 14 और इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये कितना प्रिंट करेगा रिजल्ट 14 + 20 क्योंकि यही बेसिकली क्या है ये सम है। तो इस तरह से देखिए कैसे एक फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पैरामीटर भी स्ट्रक्चर हम पास कर रहे हैं और ये रिटर्न क्या कर रहा है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर रिटर्न करने का मतलब कि स्ट्रक्चर के सारे मेंबर को ये रिटर्न कर रहा है, और चूंकि ये सारे मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है रियल और इमेजनरी पार्ट दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इस तरह को अगर आपको रिसीव करना तो कहाँ रिसीव करेंगे उसी तरह के स्ट्रक्चर वेरिएबल में रिसीव करेंगे, तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है जेड में इसको रिसीव किया है और उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट कराया है, और फंक्शन जब रिटर्न होगा तो ये जो लोकल वेरिएबल हैं ऐड कॉम्प्लेक्स के ये तीनों वेरिएबल C1, C2, C3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो ये है स्टेटमेंट है फंक्शन कॉल के बाद का स्टेटमेंट कौन सा है प्रिंट एफ, तो ये प्रिंट करेगा, तो ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट कराया है कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, ये कितना है 14 + i 20, i का मतलब कि ये 20 क्या है इमेजनरी पार्ट है। तो इस तरीके से देख रहे हैं किसी फंक्शन को कैसे हम स्ट्रक्चर पास करते हैं और कैसे हम किसी फंक्शन से स्ट्रक्चर रिटर्न कराते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर, आज इतना ही।